फॉर्म लेने का काम बहुत जारी है। अभी तक एक अंदाजन कितने फॉर्म सबमिट हो चुके हैं? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 1100 के लगभग कार्ड जमा हो गया। पब्लिक आना चालू है, रिस्पांस अच्छे मिल रहा है। क्यों तो बात ये है कि बहुत दिनों के बाद यहाँ पे कैंप हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ऐसे कैंप लेते रहती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये तीसरा कैंप है और इंशाल्लाह हम ये कैंप को ऐसा कंटिन्यू लेते रहेंगे। क्योंकि मेन जो जान जो होती है वो वोटर होती है। आपका नाम बोलो ना। मेरा नाम असलम करीब। तुम्हारे पूरे ग्रुप का डॉक्टर साहब असलम सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपने कैंप लिया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज नारेगांव में जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खत्री साहब उनके जानिब से नारेगांव में इलेक्शन का कैंप रखा गया है। नारेगांव सुंदर जो इतनी बड़ी बस्ती होने के बावजूद यहाँ पे सिर्फ मैं 6000 लोगों के इलेक्शन कार्ड में नाम है और वार्ड की तादाद देखा है तो 30 से 35 हज़ार है। तो हमने कैंप रखने का मकसद ये है कि नए इलेक्शन कार्ड बनाना है। और अभी ये जो मुहिम चल रही है अभी प्रशासन की तरफ से 8 दिसंबर तक जो है तो ये मुहिम के अभियान के अंतर्गत ये कार्ड बनाना चालू है। और इस कैंप के अंदर हम आधार कार्ड से इलेक्शन कार्ड को लिंक कर रहे हैं, नए इलेक्शन कार्ड बना रहे हैं। और जो शिफ्टिंग है बाज़ लोगों के कार्ड दिगर बाज़ लोगों के लोग मतलब बाहर के हैं उनके कार्ड यहाँ पे हम नारेगांव में उनका एड्रेस प्रूफ लेके यहाँ शिफ्ट भी कर रहे हैं। और कुछ लोगों के नाम गलत है, एड्रेस प्रूफ एड्रेस गलत है, नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, हम करेक्शन वो भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया असलम भाई कि यहाँ पर 30 से 35 हज़ार की आबादी है और अभी तक 6000-7000 लोगों के ही कार्ड बने, तो कितनी जल्दी से जल्द ये लोगों को सहायता मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कैंप है ये अभियान जो अभी जो है 8 दिसंबर तक जो है ये नाम अगर आप 8 दिसंबर से पहले अगर ये फॉर्म ला के सबमिट करते हैं दर्ज करते हैं तो आने वाले जो 5 जनवरी 2023 में ये नाम उस यादी में आ जाएंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है आधार कार्ड कंपलसरी है, फ़ोटो मोबाइल नंबर और एड्रेस प्रूफ कंपलसरी है। शिफ्टिंग के लिए बाहर का इलेक्शन कार्ड और यहाँ का एड्रेस प्रूफ के लिए जैसा लाइट बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड पे भी एड्रेस रहा तो भी चलेगा, ये सब काम करते हैं। नारेगांव में कितनी जगह आप कैंप ले रहे हैं? नारेगांव में टोटल 5 जगह हमने कैंप रखा है। आज ही के दिन जुम्मे के नमाज से फ़ौरन नमाज से लेकर 8 बजे तक कैंप रखे हैं। यहाँ उसके अंदर पटेल टावर मेन रोड पे कौसर पार्क के पास रखे हैं, फातिमा मस्जिद ये जो अभी है फातिमा मस्जिद के सामने रखे हैं। तीसरा कैंप हमने इराई मस्जिद के पास रखे हैं पटेल नगर में। चौथा कैंप हमने बिस्मिल्लाह मस्जिद के सामने बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रखे हैं। और पाँचवा कैंप हमने आयशा मस्जिद आयशा कॉलोनी में उसके सामने 5वां कैंप रखे हैं। और इसके अलावा आज ये कैंप होने के बाद जो लोगों को फॉर्म सबमिट करना है उनके इलेक्शन कार्ड बनाना है जो भी करना है तो मेन रोड नारेगांव दरगाह वाली मस्जिद के पास होटल डिकाशन पे ला के फॉर्म वहाँ जमा कर सकते हैं। वहाँ पे 24 आवर वहाँ पे हम फॉर्म लेने का काम वहाँ जारी है। अभी तक एक अंदाजन कितने फॉर्म सबमिट हो चुके हैं? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 1100 के लगभग